बारिश की वजह से प्याज ने महंगाई की राह पकड़ी है। बीते एक सप्ताह में फुटकर में प्याज की कीमत में 5 से 10 रुपए जबकि थोक में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी हैं। व्यापारियों की माने तो दक्षिण भारत के राज्यों में ज्यादा बारिश होने की वजह से नई फसल के उत्पादन पर असर पड़ा है। एक सप्ताह पहले तक प्याज 20 से 30 रुपए किलो बिक रही थी, मगर बारिश से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेशों में होने वाली फसल खराब होने लगी है। इसकी वजह से स्थानीय मंडी आवक कम हुई है। इक्का दुक्का गाड़ी ही मंडी में पहुंचती दिखाई दी है। इसका असर दामों पर पड़ रहा है। अब नई प्याज आने के बाद दाम में कमी आने की उम्मीद है। नवंबर के अंत तक बाजार में नया प्याज आएगा। अभी पुरानी प्याज 2500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि नई 1000 से 1200 रुपए। वहीं 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू में भी तेजी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।